हो रहे बदलाव के साथ ही पशुपालन विभाग ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। पशुपालन विभाग मौसमी बीमारियों के प्रति गंभीरता दिखाते हुए यह अभियान हर साल मई माह में शुरू करता है। आपको बता दें, गर्मियों के बाद बारिश के मौसम में पशुओं को सबसे अधिक खुरपका, मुंहपका और गलघोंटू जैसी विषाणु जनित गंभीर बीमारियां होती है, जिनमें हर साल लाखों पशुओं की अनदेखी के चलते मौत होती है। इसलिए पशुपालन विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए LSA कर्मचारियों और पशु चिकित्सकों को टीकाकरण के निर्देश दिए हैं। जिनमें बात करें जयपुर जिले की, तो हाल ही में हुई पशु गणना में आए आंकड़ों के अनुसार करीब 6 लाख भैंस और 7 लाख गायों के साथ छोटे पशुओं और पालतू जानवरों के टीकाकरण का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही पशुपालकों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए विभाग की ओर से समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। पशुगणना, ये 18वीं पशुगणना है और ये शताब्दी वर्ष भी है पशुगणना का। 1819 से प्रारंभ हुई थी और ये 100वां वर्ष पूरा करने जा रही है। जयपुर ज़िले में लगभग 100% हाउस होल्ड की गणना की जा चुकी है और 103 से 104% तक हम अचीव कर चुके हैं। जो अभी मोटे मोटे से आंकड़े आए हैं, फाइनल आंकड़ा तो 10 जून के आसपास आएगा, उसमें लगभग 13-13.5 लाख बड़े पशु और अन्य छोटे पशु आए हैं। लेकिन अपन सभी जानवरों को इसमें कवर कर लेते हैं और ये कम से कम 6 लाख के आसपास भैंसे हैं अपने जयपुर ज़िले के अंदर और 7 के आसपास गायें हैं, तो 100% करीब 100% जानवरों को कवर कर लिया जाता है वैक्सीन से। और विभाग की तरफ से इस समय हमारे HS और ETV के ऊपर, एंटोटॉक्सिमिया वैक्सीन के ऊपर पूरा सजगता से काम हो रहा है